हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको व्हाट्सअप में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही गाइस कि आपका जो है व्हाट्सअप में आप जो है यहाँ पर QR कोड को स्कैन करते हैं, जैसे कि आप जो है व्हाट्सअप को ओपन करते हैं, व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है आप जो है QR कोड स्कैन का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करते गाइस, और यहाँ पर जो है अदरवाइज डिवाइस के QR कोड से अपने व्हाट्सअप को जो है लिंक करना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर लिंक नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपको कुड नॉट डिवाइस का देखने को मिलता है कुछ इस पॉपअप, कुड नॉट लिंक डिवाइस, इस तरह का पॉपअप आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप लिंक नहीं कर पा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए करना क्या है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के व्हाट्सअप के ऊपर, और उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, और आई के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐप इन्फो पर स्टोरेज यूजेज को क्लियर करके और क्लियर डाटा कर लेंगे। क्लियर डाटा करने से पहले आप एक बात का और ध्यान रखें कि अपने जो व्हाट्सअप है उसका जो चैट है उसका बैकअप ले लेना है। जैसे आप व्हाट्सअप की चैट का बैकअप ले लेंगे, उसके बाद दोबारा जब ओपन करेंगे तो आपकी जो है चैट सेफ रहेगी, डिलीट नहीं होगी इसलिए। एंड बैकअप लेने के बाद ही आप स्टोरेज यूजेज को क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर लें, और इतना करने के बाद इसको फोर से स्टॉप करेंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले ओपन नहीं करना है, पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सअप, एंड व्हाट्सअप को सर्च करने के बाद इस को आपको अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसको अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के बाद जब आप जो ओपन करेंगे, जब आप जो है ओपन करेंगे और वहाँ पर जाएंगे, जब आप जो है व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से मोबाइल नंबर डाल के एंड बैकअप लेके चैट का, इसके बाद जब QR कोड स्कैन पर जाएंगे और जिस भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करना चाहेंगे उसके QR कोड को स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर कुड नॉट लिंक डिवाइस का ऑप्शन जो पॉपअप आता है, प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक बग था गाइस जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको इस तरह के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।